क्या कर रहे हैं? अभी सर वो कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ जो सर ने पढ़ाया है। अच्छा, रीड कर रहे हैं। तो आज आपकी शॉर्टिंग की क्लास थी, क्या कहते थे आपने शॉर्टिंग में? शॉर्टिंग में अभी ट्रेसिंग की थी, मेरे पास एक सेट था उसके ट्रेसिंग वगैरह की थी, उसके अंदर EMMC का जो फोल्ट है वो EMMC की जो क्लास होगी उसमें। अच्छा, कहाँ कहाँ वोल्टेजेस चेक करना है, क्या क्या करना है सर ने जैसे जैसे बताया था आपने वैसे चेक किया? हाँ सर, वो जो सर ने बताया था समझ में आया? बिल्कुल सर, एकदम बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम की लैब, एडवांस लैब, जो कि इंडिया बिगेस्ट लैब है आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अभी की जो क्लास चल रही है वो हमारी लाइव। सर शॉर्टिंग मिल गया? जी सर। कहाँ पे? यहाँ पे टी शर्ट 71P IC हीट हो रही है। IC पर? जी सर, हीट हो रही है। IC हीट हो रही है सर, हीट IC हीट हो रही है। जी सर, शॉर्टिंग की क्लास है ये हमारे डैक और शॉर्टिंग प्लस डैड डायग्नोसिंग, मतलब इसमें हम बता रहे हैं कि डैड को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटिव चीज़ है। मोबाइल रिपेयरिंग में है दोस्तों सेक्शंस बनाना एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सर्किट का नॉलेज चाहिए, पर डैड बनाने के लिए आपको हर एक सेक्शन का नॉलेज चाहिए। और अभी तो सारे स्टूडेंट शॉर्टिंग की अपने ही फ़ोन, जो ये फॉल्टी फ़ोन लाते हैं, जितने भी जो शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, माइनर लीकेज तक जो शॉर्टिंग होते हैं, उनको हमने बहुत से तरीके और ट्रिक बताए हुए हैं। पहले हम इनको पूरी प्रैक्टिकल क्लास देते हैं कि कैसे शॉर्टिंग निकालें, इनके कुछ मोबाइल में हम शॉर्टिंग निकाल के लाइव इनके सामने दिखाते हैं, और एक तरीके नहीं और बहुत सारे तरीके से। और ये भी बताया जाता है कि कहाँ कहाँ वोल्टेज देना चाहिए, कहाँ कहाँ रोजिन का यूज़ करना चाहिए, और रोजिन जहाँ काम नहीं करे तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। बीबैट की लाइन पे शॉर्टिंग ना हो तो बीपीएच की लाइन पे कैसे दूर है, क्योंकि बीबैट और बीपीएच दो अलग अलग एक लाइन होती है एक ही, पर दो अलग अलग भाग होते हैं, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में आप जानते होंगे। और सबसे बेस्ट आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता होगा क्लास में है कि इक्विपमेंट एकदम एडवांस लेवल पे है, जो इंडिया बिगेस्ट हमारी लैब है। हर एक स्टूडेंट के पास उसका खुद का माइक्रोस्कोप और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसके पास में उसको हम दे देते हैं, मतलब टूल्स की यहाँ पे किसी को कोई कमी नहीं है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा या आप कभी गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कहीं मल्टीमीटर शेयरिंग कर रहे हैं, कहीं दो चीज़ शेयरिंग कर रहे हैं, कहीं पेस्ट शेयरिंग कर रहे हैं, कहीं ट्विजर शेयरिंग कर रहे हैं, पर ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक प्रॉपर संस्था, एक बड़ी संस्था हमेशा एक अच्छा और एक बेहतर एक सोल्यूशंस लेके आती है स्टूडेंट के लिए। एसर टेलीकॉम दोस्तों बहुत पहले से काम कर रहा है इस फील्ड में, और बहुत सारे लोग यहाँ से सीख कर अभी मोबाइल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। बहुत हमारे स्टूडेंट ही हैं जो आज की डेट में चला रहे हैं, और यहाँ से सीखने वाला जो एस बंदा है वो बहुत वेल एक्सपीरियंस बनता है, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है, हम एक एज अ टेक्नीशियन भी काम करते हैं और हम एज अ टीचर भी काम करते हैं दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर कि सिर्फ थ्योरी का नॉलेज देते हैं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल वर्किंग टाइम सबसे ज़्यादा है ऑलमोस्ट इंडिया में। जो हमारी टाइमिंग है वो 8 बजे से 8 बजे तक है। स्टूडेंट को यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हमारे टीचरों का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हार्डवेयर की क्लास अटेंड करता हूँ पूरी ए से लेकर जेड तक, और जिसमें सिमेटिक्स हो गए, DSO सप्लाई हो गई, कहाँ कहाँ लाइनिंग जानी चाहिए, चार्जिंग में फेक चार्जिंग क्यों नहीं आ रहा है, मतलब बहुत से आपने जगह देखा होगा पढ़ने गए होंगे तो शायद टीचर लुक तक आपके मोबाइल नहीं बना पाते हैं। तो रीज़न ये होता है कि एक लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको जितना पता है वो उतने ही सिखाते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर की क्लास जो लेते हैं वो दुर्गेश सर लेते हैं, जिनको प्रैक्टिकली बहुत नॉलेज है और वो एकदम आसान कर देते हैं सारी चीज़ों को, और बहुत आपको शॉर्ट में इतना लेवल पे इसको डीपली में समझा देंगे कि ड्राइवर कैसे डालें, फ्लैशिंग कैसे करें, अनलॉकिंग कैसे करें। अगर आपको लाइव देखना है मेरी क्लास या दुर्गेश सर की क्लास, तो आप देख सकते हैं फेसबुक पे जाके लाइव में। फिर उसके बाद करें MMC में, क्योंकि एक MMC सबसे आखिरी का लेवल होता है और उसको एडवांस लेवल पर ही गिना जाता है। तो MMC की क्लास हमारे मिलन सर लेते हैं, और मिलन सर की क्लास भी अगर आपको लाइव देखनी है तो एसर टेलीकॉम में आप जाइए। वहाँ पे बहुत आपको सिर्फ स्टूडेंट के फीडबैक नहीं मिलेंगे कि हमने से पूछ रहे हैं, हम वहाँ पढ़ाते हुए नज़र आएंगे, आपको देखेंगे कि किस तरीके से नोट्स हम इनको करवाते हैं, इनके ही प्रैक्टिकल मोबाइल में हम काम करवाते हैं। तो आप अपने मोबाइल लेकर आइए और यहाँ पर खुद बनाइए, क्योंकि हमने अपने कोर्स में इंक्लूडेड किया है ड्यूल डेकर CPU, जिसकी क्लीनिंग प्रोसेस हम आपको बिल्कुल आपसे ही करवाएंगे, और NAND प्रोग्रामिंग आपसे NAND प्रोग्रामिंग इसमें इंक्लूड किया है हमने। और दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में जो एंडलेस होता है ना, वो आपको देगा सिर्फ एसर टेलीकॉम, क्योंकि उसको नॉलेज है एंडलेस का। एंडलेस ये होता है कि कोई बोर्ड कब तक हम उसको स्वैपिंग में डाल सकते हैं और किस लेवल तक हम कस्टमर को एक बोर्ड बना के दे सकते हैं।
हम यहाँ पर आपको दुकान की सारी चीज़ें बारीकियाँ भी समझाते हैं कि कैसे दुकान को रन करना चाहिए, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, और दुकान के चलाने के जो डॉक्यूमेंट्स या टोटल तरीके होते हैं, जो भी प्रोफेशनल लेवल रूप पे हम आपको बताते हैं। जो एक छोटा दुकान वाला, दोस्तों एक दुकान वाला आप ये समझो सिर्फ उतना ही बता सकता है जितना उसको नॉलेज है, और वो कभी अपडेट नहीं होता। वो डायरेक्ट सोल्यूशन पे काम करता है, वो सर्किट पे कभी काम नहीं करता है। अगर आप किसी दुकान वाले पर जाकर बैठ कर सोच रहे हैं कि मैं सीख लूँगा, तो फिर उसके बाद आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर तो पैसा जमा करेंगे ही, साथ में फिर आपको एक बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट पर आना पड़ेगा या हमारे पास आना पड़ेगा। हमने बहुत सारे लोगों को हम तभी एडमिशन देते हैं, पहले हम उनसे पूरा पूछते हैं कि उनको कितना नॉलेज है कितना नहीं है, और उस लेवल पे हम उनको एडमिशन देते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल बिंदास होकर हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो।